प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुहब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सेकंड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है किरण प्रकाश की। इसको इंग्लिश में कहते हैं रे ऑप्टिक्स। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम इस चैप्टर की परिचय की बात करें तो हम इस चैप्टर में अध्ययन ये करेंगे जो प्रकाश होता है, प्रकाश की कौन कौन सी प्रकृति होती है, प्रकाश से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो नाम इसका है किरण प्रकाश की। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो शब्द है किरण, ये कणों से मिलकर बना है और कणों का जो संबंध है मोस्टली प्रकाश से होता है। तो हम इसमें सबसे पहले समझेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, ये बेसिक है इस चैप्टर का। देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी हम अनुभूति हमारी आंखों द्वारा कर सकते हैं। विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम के विकिरण, विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम के विकिरण जिनकी तरंग दैर्ध्य, जिनकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर, जहाँ एनएम का मीन से नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। ये परिभाषा है प्रकाश की। क्या कि विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम में विकिरणों का तरंग दैर्घ्य 400 एनएम से 750 एनएम तक होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश की परिभाषा है। और जो प्रकाश है, हम प्रकाश की वजह से ही, प्रकाश की वजह से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश मोस्टली एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अब जो हम बात करते हैं इसका वेग, कि प्रकाश का वेग है, इसका वेग कितना होता है। अगर हम वेग की बात करें या चाल, प्रकाश चाल है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। जी हाँ, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। और इसकी जो चाल है, इसका चाल, इसका जो वेग है, इसका वेग होता है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश की चाल होती है। आगे हम बात करें कि वह प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, हमने यहाँ देख लिया कि प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो 400 एनएम से लेकर के 750 एनएम तक होता है, ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की हम प्रकृति की बात करें कि प्रकाश की प्रकृति है, प्रकृति कैसी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा बताया गया है कि जो प्रकाश है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति पाई जाती है। जी हाँ, अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसकी द्वैत प्रकृति पाई जाती है। द्वैत का मीन्स होता है दोहरी प्रकृति, अर्थात प्रकाश कणीय रूप में पाया जाता है और प्रकाश तरंग रूप में पाया जाता है, यानी इसकी द्वैत प्रकृति होती है। मीन्स कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति। तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति पाई जाती है, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति, यानी प्रकाश दो रूप में पाया जाता है, कण के रूप में पाया जाता है और प्रकाश तरंग के रूप में पाया जाता है। इसका वेग हम देखें, प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है। आगे जब हम बात करते हैं कि प्रकाश जो किरण है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। जो प्रकाश है, ऐसा माना जाता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में गति करता हुआ माना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं प्रकाश किरण, तो इसमें कुछ परिभाषा आती है छोटी छोटी, जैसे प्रकाश किरण हम बात करें, प्रकाश किरण की परिभाषा की हम बात करें तो प्रकाश किरण क्या है, किसी तरंग को
किसी तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा में गमन करते हुए माना जा सकता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ये प्रकाश किरण की परिभाषा है। क्या? कि किसी तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम गमन करते हुए माना जा सकता है, तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। फिर से बात आती है प्रकाश पुंज की, कि वे प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश पुंज की बात आती है तो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण का जो समूह होता है, प्रकाश किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहा जाता है। यानी जो प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश किरणें मिल करके और प्रकाश पुंज बनाती हैं, प्रकाश पुंज का निर्माण करती हैं। तो यह है इसकी बेसिक परिभाषा है। प्रकाश की परिभाषा हो गई, इसका वेग हो गया, इसका वेग की निर्वात अधिकतम होता है, इसकी जो प्रकृति हो जल प्रकृति होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है और प्रकाश किरण की परिभाषा होगी, प्रकाश तरंग किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा में गति करते हुए माना जा सकता है, तो उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। वो जो पथ है उस पथ को प्रकाश किरण कहा जाता है। प्रकाश किरण जो है इसका जो समूह होता है, प्रकाश किरण का जो समूह है, प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। तो ये था बेसिक परिभाषा प्रकाश के बारे में, बेसिक है इस चैप्टर में कि भाई प्रकाश क्या है। बार बार इसमें आएगा प्रकाश की घटना होने वाली, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हमें इसमें समझना जरूरी था प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या है, इसका वेग, इसकी तरंग दैर्ध्य, प्रकाश इसकी प्रकृति, प्रकाश किरण किसे कहेंगे, प्रकाश पुंज क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक परिभाषाएं थी जो हमने इस वीडियो में पढ़ी है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू।